मदर, कीको इन सैंड बैग्स को क्यों पटक रहा है यहाँ पर? कुछ खा लेता हूँ। डोडो, कीको इस वक्त जिस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है उसे वन वर्ड में कहते हैं कुश्ती। मगर कीको को तो और भी कई तरह की फाइटिंग स्टाइल्स आती है, तो फिर कुश्ती की क्या जरूरत? जरूरत है डोडो, हर फाइटिंग स्टाइल की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है, और मैं दुनिया के सभी फाइटिंग स्टाइल सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने दोस्तों और सन सिटी की हर खतरे से रक्षा कर सकूं। वाह कीको, तुम्हारी इस बात को टू वर्ड्स में कहते हैं हार्ट टचिंग। हार्ट टचिंग से भी ज्यादा हार्ट टचिंग, आईज टचिंग, माइंड टचिंग, हैंड टचिंग, लेग्स टचिंग, इसी बात पे खा लेता हूँ थोड़े मफिन। ये क्या कीको, तुम अपना जोर इन सैंडबैग्स पे क्यों दिखा रहे हो? हिम्मत है तो अपने बराबरी वालों से मुकाबला करो। बात हिम्मत की नहीं है टोनी, मैं इन सैंडबैग्स के साथ इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि किसी को चोट ना लगे। डरपोक लोगों की तरह एक्सक्यूजेस मत दो, हिम्मत है तो मेरा सामना करो। कई दिनों बाद बिल से निकले चूहे ने नहाया है, टोनी बॉस ने आज कीको से पीटने का मन बनाया है। कीको, कीको, कीको। गेम ऑन। अब कीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। अयो, इधर एक ही किको है जी, तुम तीन बार किको काय को बुलाता? क्या हुआ मेयर अंकल, आप इतने परेशान क्यों हैं? ईश मम्मी, खतरा खतरा खतरा। लेकिन मेयर अंकल, आखिर हुआ क्या है? अयो मेयर, तुम्हें रहने दो जी, जैसा तुम हर वर्ड को तीन बार रिपीट कर रहे हैं, वैसा तो पूरा बात बताते 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 रात हो जाएगा जी। अयो किको, तुम हमारे साथ चलो जी, हम बताएगा नहीं नहीं बल्कि दिखाएंगा। ये नया ब्रिज कैसे टूट गया? इसका तो कल ही इनॉग्रेशन होने वाला था। इंसान के निशान को चतुर लोमड़ी ने पलक झपकते ही पहचान लिया। वाह सर, क्या बात कही है, नोट पैड में नोट कर लेता हूँ। जूनियर अंकल, पहले आप इस पहेली का मतलब तो बताइए। सर का मतलब है कि इस ब्रिज को उड़ाने के लिए बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है, ये देखो बॉम्ब के टुकड़े। उरी मुरी मदर, ये बॉम्ब किसने लगाए यहाँ पर? कुछ खा लेता हूँ। पर आखिर इस ब्रिज को किसी ने बॉम्ब से उड़ाया क्यों? और मेरी R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक क्यों नहीं हुई? अयो, ये तो अच्छा हुआ कि इस ब्रिज का इनॉग्रेशन नहीं हुआ था जी, इसीलिए इसका ऊपर कोई नहीं था, वरना लोगों को चोट लग जाती थी। लेकिन ये ब्रिज को कोई क्यों ब्लास्ट करेगा? इस ब्रिज को क्यों ब्लास्ट किया गया है, इसका पता लगाने के लिए हमें पहले ब्रिज ब्लास्ट करने वाले का पता लगाना पड़ेगा। वो रहे CCTV कैमरास, मैं अभी इनके सर्वर से R7 को कनेक्ट करके ब्रिज टूटने के पहले की फुटेजेस देखता हूँ। ये कल रात की फुटेज है, अभी तो ब्रिज ठीक ही लग रहा है, फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड करके देखता हूँ। अयो किको, उस बॉम्ब वाला आदमी से बात करते जी, मगर हमको आवाज सुनाई क्यों नहीं देता? क्योंकि ये ट्रैफिक कैमरा फुटेज है टेम्पो अन्ना, इसमें ऑडियो नहीं होता। हाँ?
उरी मोरी मदर, कीको ने ब्रिज नहीं बचाया यहाँ पर। ईश कीको, फुटेज में देख के ये बात तो साफ हो गई कि कल तुम उस बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले से मिले थे, मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि उसे रोकने की बजाय तुम उससे बात करके चुपचाप चले क्यों गए। आखिर उसने तुमसे ऐसा क्या कहा? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है मेयर अंकल, कि फुटेज में मेरी R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक हो रही थी, फिर भी मैंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। मुझे लगता है कि इन सभी सवालों का जवाब वो बॉम्ब वाले के पास होगा। सबसे पहले हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। हाँ, याद आया, वही सोचूं कि वो बॉम्ब लगाने वाले की शक्ल को देख के मेरे दिमाग के घोड़े क्यों दौड़ रहे। तबड़क 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 तबड़क। प्लीज मेयर अंकल, आप भी झटपट अंकल की तरह पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए क्या हुआ। सॉरी किको, जिस आदमी ने ये बॉम्ब लगाया वो एक ब्रिज बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर था, उसके काम में मिलावट थी, इसलिए मैंने इस नए ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट उसे नहीं बल्कि किसी और को दे दिया था। मम्मी, शायद उसने उसी का बदला लिया है। मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं कल रात उनसे मिला था तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। R7 की डेंजर लाइट एक ब्रिज की तरफ इशारा कर रही है, जरूर कोई गड़बड़ होने वाली है, मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। लेकिन वो ब्रिज तो यहाँ से काफी दूर है, लगता है मुझे सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। मेन मार्केट के पास बने ब्रिज के पास कोई गड़बड़ हो रही है। डोंट वरी ब्रो, मैं अभी जेट स्पीड लगा के तुम्हें वहां ले चलता हूँ। ब्रिज ब्रेकर तोड़ता है पुल, करता है याददाश्त भी गुल। आज इस ब्रिज की बारी है, एक एक करके मैं सन सिटी के सारे ब्रिजेस तोड़ दूंगा। सॉरी मिस्टर, लेकिन आप हमारे रहते ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह ब्रिजेस को बॉम्ब से उड़ाना वेरी वेरी रॉन्ग है। And listen mate, we always fight for right. Kiko, इस बार सुपर स्पीडो को भी लाए हो, मगर जब ब्रिज ब्रेकर का कायदा चलता है तो सामने वाले का कोई फायदा नहीं होता है। ब्रिज ब्रेकर, मैं आपको लास्ट वार्निंग देता हूँ, आप उस बॉम्ब के साथ अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। बच्चे इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। ब्रिज ब्रेकर तोड़ता है पुल, करता है याददाश्त भी गुल। किको, तुम कहो तो मैं अभी इसे रस्सी में लपेट के बांधूंगा। नहीं सुपर स्पीडो, मुझे पहले ये जानना है कि आखिर ये ब्रिज ब्रेकर ने मेरे साथ ऐसा क्या किया जो मैं इसे रोकने के बजाय चुपचाप चला गया था। वही जो आज तुम्हारे साथ फिर होने वाला है किको। ये टॉर्च देख रहे हो, इसके अंदर से ऐसी रेस निकलती है जो अगर किसी के चेहरे पर पड़ जाए तो 5 मिनट के लिए उसकी याददाश्त चली जाती है। और उस 5 मिनट के दौरान क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं रहता। पता है कैसे? ऐसे। सुपर स्पीडो, जल्दी से लगाओ फॉर्मूला नंबर। किको, किको, तुम्हें क्या हुआ है किको? हाँ? किको? कौन किको? और तुम कौन हो? मैं सुपर स्पीडो हूँ किको, तुम्हारा दोस्त। याद करो। कौन सुपर स्पीडो? कौन दोस्त? कौन किको? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सुपर स्पीडो, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मगर 5 मिनट से पहले कीको को कुछ याद नहीं आने वाला। मेरे टॉर्च की लाइट ने कीको की मेमोरी की बत्ती गुल कर दी है। ब्रिज ब्रेकर तोड़ता है पुल, करता है याददाश्त भी गुल।
किको, पिछली बार तुम्हें सही सलामत छोड़ के मैंने जो गलती की थी आज वो गलती नहीं दोहराऊंगा। वैसे भी तुम्हारी मेमोरी वापस आने में लगभग 4 मिनट बाकी हैं। उतनी देर में तो मैं तुम्हारा कचुंबर बना दूंगा। जब तक कीको की याददाश्त वापस नहीं आती मुझे उसे ब्रिज ब्रेकर से बचाना होगा। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता पर कीको को लेके यहाँ से भाग जरूर सकता हूँ। देखता हूँ कहाँ तक भागते हो। ब्रिज ब्रेकर तोड़ता है पुल, करता है याददाश्त बिल्कुल। शवल बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं मुझे। कौन सा फॉर्मूला? कौन किको? और तुम हो कौन? लगता है अगले कुछ मिनट तक किको को बचाने के लिए मुझे ये सारा डैमेज झेलना ही पड़ेगा। एक बार किको को होश आ जाए फिर बताता हूँ इस ब्रिज ब्रेकर को। जोरदार पड़ रही है। अब बस 10 सेकंड्स बाकी हैं किको की याददाश्त वापस आने में। मुझे अब निकल जाना चाहिए। इस बार तो तुम्हें सुपर स्पीडो ने बचा लिया, मगर अगली बार करूंगा ऐसा वार कि सुपर स्पीडो भी हो जाएगा बेकार। ब्रिज ब्रेकर तोड़ता है पुल, करता है याददाश्त भी गुल। सुपर स्पीडो, तुम्हें ये क्या हुआ? और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? थैंक गॉड किको, तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई। वापस आ गई से क्या मतलब है? गई कब थी? पहले फॉर्मूला लगा के मुझे ऑटो रिपेयरिंग मोड में डालो, फिर सब बताता हूँ। सुपर स्पीडो, लगाओ फॉर्मूला नंबर 79। थैंक यू बड़ी, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 79। मेयर अंकल, ब्रिज ब्रेकर के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन मिली? ईश, वो तो बहुत डेंजरस इंसान है। उसने टोटल 3 ब्रिजेस बनाने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई किया था, मगर हमने खराब क्वालिटी के मटेरियल यूज करने की वजह से वो तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करके किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए थे। यानी अब वो उन सभी ब्रिजेस को तोड़ के अपना बदला ले रहा है। अयो, वो 3 में से 2 ब्रिजेस ऑलरेडी तोड़ चुके। एक टाइम पे ब्रिज इनॉग्रेट नहीं हुआ था और दूसरा ब्रिज रात को तोड़ा, इसलिए किसी को चोट नहीं लगी। वो थर्ड ब्रिज कौन सा था जिसका कॉन्ट्रैक्ट उसे नहीं दिया गया? ईश, वो तो सनसिटी रिवर पे बना हुआ ब्रिज है, वो तो डे एंड नाइट दोनों टाइम चालू रहता है। ईश, मम्मी, उस ब्रिज को बचाना। मेयर अंकल, डरिए मत, किको जरूर उस ब्रिज को बचा लेगा। हमें उस ब्रिज को किसी भी हाल में बचाना होगा, वरना उसे टूटने से काफी लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। मगर किको, तुम ब्रिज ब्रेकर को रोकोगे कैसे? उनके सामने आते ही तुम्हारी याददाश्त तो चली जाती है। नॉट टू वरी ट्विंकल, अब हमें ब्रिज ब्रेकर के अटैक के बारे में पता चल चुका है, तो इस बार मैं उसका सामना पूरी तैयारी के साथ करूंगा। राइट ब्रो, दिस टाइम वी विल रॉक एंड रोल। ब्रिज ब्रेकर का होगा डब्बा गोल। वाओ, ब्रिज ब्रेकर ने क्या सॉलिड ब्रेक मारी। इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ।
बच्चे, तुमने ब्रिज ब्रेकर का रास्ता रोक के जितनी बड़ी गलती की है, तुम्हें सजा उससे कहीं ज्यादा बड़ी मिलेगी। ब्रिज ब्रेकर तोड़ता है पुल, करता है याददाश्त भिकुल। सुपर स्पीडो, जल्दी से किको को उसी का रिकॉर्डेड वीडियो दिखाओ। मुझे पता था सुपर स्पीडो, तुम बीच में जरूर आओगे, इसलिए तुमसे निपटने के लिए मैं अपने साथ ये मॉन्स्टर कार भी लाया हूँ। ये ऑटोमेटिक मोड पे चलती है और इसमें मैंने तुम्हें डिस्ट्रॉय करने का प्रोग्राम फीड कर दिया है। मतलब फिर से सॉलिड धुलाई पक्की है। बिना कीको के कमांड दिए मैं इस मॉन्स्टर कार पे अटैक नहीं कर सकता, सिर्फ यहाँ वहाँ भाग ही सकता हूँ। उधर कीको की याददाश्त गई और इधर सुपर स्पीडो तुम भी गए। अब कौन रोकेगा मुझे इस ब्रिज को तोड़ने से? ब्रिज ब्रेकर तोड़ता है पुल, करता है याददाश्त भिकुल। इंस्ट्रक्शंस के बिना मैं इस मॉन्स्टर कार का मुकाबला नहीं कर सकता। उरी मुरी मदर, कीको तो सिर्फ स्टैचू बन के खड़ा है वहाँ पर। आई एम श्योर कीको ने कोई ना कोई बैकअप प्लान जरूर बनाया होगा। बच्चे, पहले इस ब्रिज को उड़ा दूं, फिर तुमसे निपटता हूँ। याददाश्त गायब होने के बाद भी स्मार्ट बन रहा है ये कीको। आज नहीं छोड़ूंगा इस छुटनकू को, मसल के रख दूंगा। कीको, इन चट्टानों के पीछे तुम ज्यादा देर तक छुप नहीं पाओगे। अब ब्रिज के पहले मैं तुम्हें ठिकाने लगाऊंगा कीको। हाँ।
ये किको याददाश्त जाने के बावजूद भी मुझे पीटे जा रहा है। हाँ, अब बस एक मिनट बाकी है। इस किको को सबक सिखाने के लिए काफी है। अब किको को मजा चखाऊंगा। ब्रिज ब्रेकर तोड़ता है पुल, करता है याददाश्त बिल्कुल। उधर ब्रिज ब्रेकर ने किको को तंग कर रखा है और इधर इस मॉन्स्टर कार ने मेरी बैंड बजाई हुई है। डोंट वरी सुपर स्पीडो, किको की याददाश्त वापस आने में अब बस 20 सेकंड ही बचे हैं। किको, अब जैसे ही तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी मैं फिर से अपने टॉर्च के जरिए उसे गुल कर दूंगा और फिर तुम्हारी और धुलाई करूंगा। ओह नो, यानी अब किको को हमें ही याद दिलाना पड़ेगा कि उसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी है। अब बस 3 सेकंड्स बचे हैं। किको की याददाश्त जैसे ही वापस आएगी मैं फिर से टॉर्च ऑन कर दूंगा। आइडिया, अब मैं याद दिलाऊंगा किको को उसकी सबसे बड़ी पावर के बारे में। ये! सुपर स्पीडो, जल्दी फॉर्मूला नंबर 817। ओके ब्रो, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 817। मेरी मॉन्स्टर कार, मेरी टॉर्च। दीवार पे चिपकी चिपकली ने गुल्लू के उल्लू का टुल्लू उड़ा दिया। मतलब सर, पहले मैं कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। ईश, मुझे पूरा यकीन था कि इस ब्रिज ब्रेकर के ब्रिज तोड़ने की स्पीड पे स्पीड ब्रेकर किको और सुपर स्पीडो ही लगा सकते हैं। हा, 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 अरे हंसो भाई मेरे जोक पे।